साउथ एशिया में मौजूद अफगानिस्तान आए दिन आतंकी हमलों की वजह से चर्चा में रहता है। अफगानिस्तान में सोशल रिस्ट्रिक्शन समाज को आज भी पूरी तरह डेमोक्रेटिक होने से रोकते हैं। दुनिया भर में जहां महिलाएं कामयाबी के नए मुकाम हासिल कर रही हैं, वहीं अफगानिस्तान की महिलाओं को अपना एग्जिस्टेंस साबित करने के लिए अपने ही समाज से लड़ना पड़ रहा है। शायद आपको पता नहीं होगा, लेकिन यह सच है कि अफगानिस्तान में औरतों को कहीं भी पब्लिकली या गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में अपना नाम बताने का हक नहीं है। यूनाइटेड नेशन की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि करीब 87% अफगान महिलाओं को घरेलू हिंसा और दुराचार का सामना करना पड़ता है। लेकिन इन सबके बीच अफगानिस्तान की ही एक महिला लाले उस्मानी ने हिम्मत दिखाई और औरतों को उनका हक दिलाने के लिए 2017 में एक कैंपेन शुरू किया, जिसका नाम है वेयर इज माई नेम, यानी मेरा नाम कहाँ है। आज उनके कैंपेन में दुनिया भर के लोग जुड़ चुके हैं, लेकिन अफगानिस्तान में हालात जस के तस हैं। बताया जाता है कि अफगानिस्तान में ना तो बर्थ सर्टिफिकेट, ना ही शादी के कार्ड और ना ही डेथ सर्टिफिकेट पर महिलाओं का नाम लिखा जाता है। अफगानिस्तान समाज महिलाओं को पर्दे में रहने के लिए ही समझता है। इसी वजह से अफगानिस्तान में औरतों को बहुत सी परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। अफगानी महिलाओं का मानना है कि उनका कोई वजूद नहीं है, वे बस पैदा होती हैं और मर जाती हैं। उनके होते हुए और उनके जाने के बाद भी उन्हें कोई नहीं जानता। इसलिए वेयर इज माई नेम एक बहुत ही पावरफुल कैंपेन है, जिसे दुनिया के सपोर्ट की जरूरत है, आपके सपोर्ट की जरूरत है। लाले उस्मानी ने यह कैंपेन 2017 में शुरू की थी। शुरुआत में उन्हें कई चैलेंज फेस करने पड़े, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। लाले का कहना है कि अफगानिस्तान में नेशनल आईडी कार्ड पर भी महिलाओं का नाम नहीं लिखा जाता, जो उनके फंडामेंटल राइट छीनने वाली बात है। लाले उस्मानी ने रेडियो अफगानिस्तान को दिए एक इंटरव्यू में कहा कि हालात ये हैं कि डॉक्टर के पर्चे पर भी महिला का नाम नहीं लिखा जाता। मैं यह सुन सुनकर तंग आ चुकी थी कि फलां की बेटी, फलां की बीवी, आखिर यह कब तक चलेगा? हमें दूसरों के नाम से कब तक पहचाना जाएगा? क्या हमारा कोई अपना वजूद नहीं है? वेयर इज माई नेम कैंपेन के थ्रू वे अफगानिस्तान के कानून में संशोधन करवाना चाहती हैं, ताकि पूरी दुनिया की तरह अफगानी महिलाओं का भी एक वजूद हो, उनका नाम उनकी कामयाबी की मिसाल बन सके। आप भी लाले उस्मानी के इस कैंपेन को सपोर्ट करें और अफगानी महिलाओं के हक की लड़ाई में उनका साथ दें। साथ ही आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।